यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति वार्ता वृत्तानं अधर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम्। सो ट्रांसलेशन इसका कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान जो है धर्म को स्थापन करने के लिए संसार में प्रकट होते हैं। हाँ, तो भगवान जो है प्रकट होते हैं। सजामी, सजामी वर्ड है। तो अभी जो है कौन सा युग चल रहा है? कलयुग चल रहा है। तो भगवान हर युग में प्रकट होते हैं, यहाँ इसीलिए लिखा हुआ है कि जो है, और प्रकट होते हैं मतलब वो कहीं से प्रकट होते हैं, अपने धाम से, स्वधाम से प्रकट होते हैं। भगवद गीता में एक श्लोक है कि भगवान बोलते हैं कि जो है हरे कृष्णा, थोड़ा शांति बनाए। भगवद गीता का श्लोक है, भगवान बोलते हैं कि जो मेरा धाम है तत् धामा परमम ममा, मेरा जो धाम है वहां पर सूर्य और चांद की जरूरत नहीं है। न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामा परमं मम। तो भगवान जो है, जब द्वापर में भगवान प्रकट हुए, द्वापर और कलयुग अभी जैसे है, तो आज से लगभग 5000 साल पहले जब भगवान प्रकट हुए संसार में, तो आपको सबको ज्ञात होगा जब धरती माँ गाय के रूप में जो है गई ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी सब देवताओं को लेकर बार बार क्यों दूर है? दूर है तो पास ले आओ। तो जब ब्रह्मा जी के पास गए कि प्रभु मेरा भार बहुत बढ़ गया है, तो पाप का भार बढ़ जाता है, तो त्राहिमाम करके गई। तो सबको लेकर, ब्रह्मा जी देवताओं को लेकर, पृथ्वी को, धरती को ले, मां को लेकर भगवान के पास गए, प्रार्थना किए। तो भगवान क्षीर सागर में बोलते हैं मैं जल्द ही प्रकट हो रहा हूं। तो भगवान आए इस धरा में 5000 साल पहले आए। भगवान जैसे ही आते हैं संसार में, क्या होता है कि संसार में भगवान आते हैं तो उनको मारने वाले लोग पहले प्रकट हो जाते हैं, पहले से थे। कोई नहीं चाहता इस संसार में कि कोई जो है भगवान यहां पर भगवान रहे, सब चाहता है भगवान को मार दिया जाए। तो कृष्णा सोचो, उनके आने से पहले ही उनके मारने के लिए तैयारियां हो रही हैं। ये है संसार। तो कंस और सारे उनके जो साथी गण थे सबने तैयारियां कर रखी थी कि जैसे ही प्रकट होंगे मार देंगे। ऐसा हुआ? नहीं हुआ। तो भगवान जो है उनको कोई मार नहीं सकता है। तो जो है भगवान मथुरा से गोकुल शिफ्ट हो गए, दुनिया भर के असुर आए मारने के लिए, एक एक करके भगवान सबको कहाँ भेजते रहे, सबको मुक्त करते रहे एक एक करके। और फिर बाद में कंस को मार दिया, जरासंध मारे गया, और ऐसे करके जितने भी शिशुपाल, दंतवक्र सब मारे गए। इनके मारे जाने के बाद भगवान ने फिर प्लान किया कि ऐसा करते हैं एक जगह पर सबको ले आते हैं। एक जगह पर लाने के लिए क्या किया गया? महाभारत का युद्ध रचना किया गया। बार बार अब छोड़ छोड़ के मारना, एक साथ ले आओ। हाँ, तो भगवान ने सबको कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में लाए और सबको खत्म कर दिया। और इसके बाद पांडवों को स्थापित कर दिया, और पांडवों के आने के बाद भगवान अपने आप को इस संसार से अंतर ध्यान कर लिए, चले गए। जब धर्म की स्थापना हो गई तो भगवान चले गए।
और जब जाने के बाद जो है भगवान ये सोच रहे हैं, क्योंकि भगवान गीता में एक श्लोक बोले हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोचयिष्यामि मा शुचः, मेरी एकमात्र शरण लो भगवान कहते हैं भगवद गीता में। तो भगवान जो है गीता का गीता उपदेश देकर अर्जुन को के माध्यम से मानव समाज को देकर गए। और भगवान जब जाने के बाद पांडवगढ़ जब तक रहे तो सब कुछ सही था, पांडवों के जाने के बाद जो है युधिष्ठिर महाराज जो है राज्य काज जो है उनकी एकमात्र वंशस्थ है परीक्षित महाराज, हाँ परीक्षित महाराज को देकर चले गए। और उन्हीं परीक्षित महाराज के जो परीक्षित महाराज के सामने समय जो जो है उनके राज्य में कली युग जो है कली पुरुष जो है वो प्रवेश कर लिया, मतलब कलयुग का भी आगमन शुरू हो गया। आपको पता होना चाहिए चार युगों में सबसे खतरनाक है कलयुग, लेकिन उस युग में जो है खास बात है तो उसके लिए अभी व्यवस्था हो रही है। तो इसी संदर्भ में मतलब पाप का बोलबाला बढ़ गया, कलयुग जैसे ही आता है बहुत खराब इसका वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम में। कलयुग के कई सिम्टम हैं, जैसे कलयुग में बोला जाता है कि जो है एक बार ऐसे क्या हुआ, युधिष्ठिर महाराज मीटिंग में थे राज्य में कोर्ट में मीटिंग में थे, तो उनके पास जो है भीम को अपॉइंट कर दिया गया था गेट में, मतलब कोई आएगा तो एंट्री मत देना। तो उसी समय एक पुरुष आया, एक व्यक्ति आया, बोला मुझे अंदर जाना है बहुत अर्जेंट है। बोला नहीं अंदर नहीं जा सकते हैं। तो बोला आप मुझे जो है क्या हुआ, ऐसा क्या राज्य में अर्जेंसी आ गया। तो बोलते हैं हमने जो अभी अभी देखा कि आपके राज्य में जो है हो क्या रहा है, कि मैं देखा एक गार्डन है, गार्डन में फेंसिंग है, गार्डन में फेंसिंग होता है ना, आप गार्डन में फेंसिंग देख रहे हैं, फेंसिंग जो है वो जो चार दीवारी बनाई है उस बगीचे में वो उस पेड़ को खा रही है, मतलब जो जिस पेड़ की रक्षा करने के लिए वो है उसी को खा रही है। डरे, घटना बड़ी विचित्र है। फिर ऐसे दूसरा व्यक्ति आया, वो बोलता है अर्जेंसी है, बोलता ऐसा क्या हुआ, बोला अभी राज्य में हमने देखा कि जो है वो क्या रहा है कि एक एक जग है, एक जग से मैंने मान लीजिए एक लीटर का जग है, उसे आधा आधा लीटर के दो पात्र भरे और वापस जब डाला तो फुल नहीं हो रहा है। अब एक लीटर से आधा आधा लीटर किया तो वापस डालने से आधा आधा लीटर होना चाहिए था, देखा तो कम हो गया, बड़ा विचित्र लीला हो रहा है भाई, सत्यम हो रहा है राज्य में। तो ऐसे करके जो है इस तरह की घटनाएं हो रही थी। और एक और बताया कि बड़ा सा जो है पहाड़, मतलब बिल्कुल मतलब बड़ा सा पहाड़ आ रहा है, सबको दबाया जा रहा है, छोटा सा बालक आके बस उसको ऐसे रोक देता है और रुक जाता है। तो और एक बताया कि जो है मैंने देखा कि जो है सुई सुई की मतलब बता रहे हैं कि सुई के जो है सुई की आंख से हाथी निकल गया लेकिन पूंछ फंस गई, और हाथी निकल गया लेकिन पूंछ फंस गई। ये सब घटनाएं किसको सुनाए, भीम ने बाद में युधिष्ठिर महाराज को, बोला ये ऐसा ऐसा आपके राज्य में कुछ कुछ हुआ। तो बोला वो कौन है क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो युधिष्ठिर महाराज तो विद्वान थे, धर्म धर्म धर्म, तो ये जो है समझ गए कि, तो उन्होंने बताया ये वास्तव में धर्म आया थे स्वयं हमें इंडिकेशन देने आए थे कि कलयुग आ चुका है। कलयुग का सिम्टम यही होता है, पहला था क्या था पहला, हाँ फेंसिंग जो है वो पेड़ को खा रही है। तो बोलते हैं इस कलयुग में आप जिन पर आप सोचते हो कि वो रक्षा करेंगे वही क्या करेंगे, शोषण करेंगे। जैसे हम नॉर्मल टाइम अगर देखा जाए तो हम किन किन पर भरोसा करते हैं, जैसे घर पे होते हैं माता पिता, जो बाहर जाएंगे तो जैसे राजा गुरु यही होते हैं ना तीन, ये तीनों ही क्या करेंगे
अपना रोल अपने ही डिफाइन करेंगे। रक्षक जी क्या बन जाएंगे? बच्चा, मतलब माता पिता ही क्या करेंगे, अब संस्कार नहीं देंगे बच्चों। राजा जो है वो शोषण करेगा उल्टा। आपको पता है कलयुग में आगे बताया गया है कि आगे चलकर जो लोग शहर से जंगल की तरफ भागेंगे, अभी वो क्या हो रहा है, जंगल से शहर की तरफ भाग, चलो रामगढ़ की ओर। फिर कोई रामगढ़ से बोलता रांची की ओर, रांची से बोलता नहीं दिल्ली की ओर, दिल्ली से बोलेगा मुंबई की ओर, नहीं विदेश की ओर। तो ऐसे चल रहा है। अभी क्या होगा कलयुग में, आगे उल्टा होने लग जाएगा, शहर से लोग जंगल की तरफ भागेगा। और क्यों भागेगा? क्योंकि जो राजा है वो बन जाएंगे दस्यु, मतलब लुटेरे जैसे, लूटना शुरू कर देंगे। टैक्स के नाम पर पता लगा 90% टैक्स। तो ऐसे भागने लग जाएंगे लोग, खाने के लिए मिलेगा नहीं कुछ। पानी तो अभी भी अगर आप जाओगे रांची में, पानी की कमी हो गई है, लालपुर में बहुत भयानक पानी की कमी है। हाँ, अभी कुछ दिन बाद आपको फ्लैट खाली मिलने लग जाएंगे। हाँ, बेंगलोर में तो ही रहा है। तो शहर में जब पानी नहीं होगा, हवा शुद्ध नहीं होगी, तो इंसान रहेगा क्या? सब भागेंगे वापस झारखंड की ओर, हाँ जंगल की तरफ आना शुरू कर देंगे। तो ये पहला सिम्टम। दूसरा बता रहे हैं, पात्र से डाला आधा आधा भर दिया, लेकिन पूरा वापस भरा तो भरा नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? इस कलयुग में आप किसी को कुछ करोगे मदद, रिटर्न में आपको पूरा नहीं आएगा। इसलिए आप बोलो, हर समय ये कंप्लेन रहता है लोगों का कि अरे हमने इतना किया लेकिन वापस मिल नहीं रहा है, मैंने इसके लिए कितना किया मेरे को इतना रिटर्न नहीं मिला। तो ये है कलयुग का सिम्टम। तीसरा था कि है वो वाला बता देता हूँ, हाथी वाला। हाथी निकल गया और पूंछ फंस गई, तो बड़ा भाई विचित्र है। मतलब कलयुग में क्या होगा, बड़े बड़े जो बड़े बड़े क्रिमिनल होते हैं ना जो, वो निकल जाएंगे और छोटे वाले फंस जाएंगे। ये है कलयुग। बड़े बड़े सब इधर उधर करके, घुस इधर दे के सब निकल जाएंगे। और लास्ट है कि कलयुग का प्रभाव इतना खतरनाक है, बड़े बड़े पत्थर जैसा है, सबको कुचले दे रहा है, लेकिन जो हरि का नाम का आश्रय ले लेगा वो उस बड़े से बड़े भय से अपने आप को बचा लेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे। इनको पहरेदारी करने को मिला है क्या? बड़ा जिम्मेदारी दिया गया है कि सब वातावरण कलयुग का माहौल ठीक है कि नहीं चेक करके आए। अभी यहाँ जो बैठे हैं कोई उछेगा नहीं इधर से। ठीक है, एक और आया पहरेदार, बैठ जाओ, अब सामने से आना जाना नहीं करना, ठीक है। तो जो है, तो इस तरह से कलयुग का असर, भयानक असर शुरू हो गया। तो चेतन महा, तो जब भगवान, तो नारद जी एक बार द्वारका गए, द्वारकाधीश कृष्ण के पास। द्वारका उसी समय की बात है, भगवान यहाँ से थे, बोला प्रभु बहुत खराब समय आएगा, क्या होगा? तो वहाँ पर जो है कृष्ण नारद जी को बताते हैं कि जो है तुम चिंतित मत हो, मैं जो है कलयुग की जो प्रथम संध्या है, ये प्रथम संध्या है, ठीक है। जैसे दिन होता है ना, तीन संध्या में विभाजित होता है, त्रिसंध्या, एक संध्या मॉर्निंग में, एक दोपहर में, और अभी तो हमारा सेकंड वाला जो है स्लॉट चल रहा था, तो इसके बाद शाम का संध्या। तो प्रथम संध्या में मैं प्रकट होऊंगा, मायापुर नवदीप धाम में प्रकट होऊंगा। जैसे एक बार क्या हुआ, गंगा जो है, जो गंगा तो देखी कि यमुना जो है बहुत भाग्यशाली है, क्यों कि द्वापर में भगवान की लीला में कौन भाग लिया, यमुना महारानी। वृंदावन में आप देखते हो ना, तो सोचिए भगवान के जल में सारी लीलाएं की हैं, बचपन से लेकर जब भगवान वृंदावन में 11.5 साल रहे वृंदावन में, तो यमुना की खूब लीलाएं हुई हैं। यमुना में बोटिंग पास टाइम होता था, बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हुई यमुना में, कालिया को भी भगवान ने दमन किया था। तो यमुना का यह भाग्य देखकर गंगा जो है तपस्या कर रही है जाह्नवी, और वो तपस्या करके कि प्रभु मुझ पर भी वही कृपा करो जो आपने गंगा पर यमुना पे किया था। तो इस तरह से बोला, तुम निश्चिंत रहो, जो जो लीलाएं मैंने की हैं तुम पर, जो यमुना में,
वो मैं अब तुम्हारे जल में करूंगा जब आऊंगा बंगाल में मायापुर धाम में प्रकट होगा। तो नवद्वीप में, इसलिए आप देखोगे नवद्वीप, नवद्वीप मतलब 9 आइलैंड, 9 द्वीप है, वो द्वीप चारों तरफ से घिरे हुए हैं गंगा से, आइलैंड की तरह है, और इसको वृंदावन से अभिन्न माना जाता है, ब्रज से सेम चीज जो है रेप्लिका क्रिएट किया जाता है। जैसे आपको ऐसे कैसे संभव है, जैसे भारत का ही राजदूतावास एम्बेसी होता है ना पूरे दुनिया के अलग अलग देश में है कि नहीं, जैसे न्यू दिल्ली में आप देखोगे तो दिल्ली में हर देश का राजदूतावास है, तो ऐसे भारत का राजदूतावास पूरी दुनिया में है कि नहीं, तो वैसे भगवान अपना धाम अलग अलग जगह पर प्रकट करते हैं। तो ये मायापुर धाम पे भगवान का प्राकट हुआ, तो गंगा पर वो बचपन से लेकर भगवान की लगभग 24 साल तक लीलाएं हुई हैं वहां पर। तो इस तरह से बोल रहे मैं आऊंगा जल्दी प्रथम संध्या में प्रकट होगा। तो ये जो गौर पूर्णिमा जो दिन है और वो उसी उन्हीं का प्राकट्य दिवस है, और भगवान जो है द्वारकाधीश बोल रहे हैं नारद जी को कि तुम जाओ और पूरे सब जगह सूचना पहुंचा दो, देवलोक में ऊपर के सारे लोकों में सब जगह एक सूचना पहुंचा दो कि मेरा प्राकट्य होने वाला है। जैसे रामलीला में, रामलीला में क्या हुआ, सारे देवताओं को खबर पहुंच गई थी कि भगवान राम आने वाले हैं, तो वो सब कौन सा रूप धारण करके प्रकट हो गए, मनुष्य बनकर आए थे, कौन से रूप धारण करके आए थे, सारे वानर रूप धारण करके आ गए थे, किष्किंधा राज्य में सब आकर एक से भयानक बड़े बड़े वानर पहाड़ के पहाड़ उठा लेते थे, ऐसे ऐसे वानर थे। तभी तो कोई पवन पुत्र है तो कोई किसी का पुत्र है, कोई विश्वकर्मा के पुत्र है, नल नील थे कि नहीं, तो ऐसे सारे डेमी गॉड्स के पुत्र सब वहां पर डेमी गॉड्स उपस्थित हो गए। तो ऐसे भगवान जब जब आ रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, तो कोई बृहस्पति का है बृहस्पति आ रहे हैं, तो कोई सब नारद जी स्वयं श्रीवास पंडित बनकर आए, हाँ, और जितने भी भगवान के जितने देवी देवता सब आकर भाग ले रहे हैं इस लीला में, जाओ संकीर्तन लीला में भाग लो। तो वो सारे जो भक्त थे चेतन महापुरुष की इच्छा से दुनिया भर के अलग अलग कोने में प्रकट हो गए। और किस लिए प्रकट हुए, क्योंकि चेतन महापुरुष का प्राकट्य क्या हुआ है, युग अवतार बोला जाता है उनको, हर युग का अपना युग धर्म होता है, इस युग का धर्म है हरिनाम संकीर्तन, हर युग में भगवान को पाने का तरीका अलग अलग होता है, तो इसलिए इस युग में भगवान को पाने का तरीका उनके नाम के माध्यम से, कहीं पर अगर प्रभु का नाम नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए उस वो विधि अपूर्ण मानी जाएगी। नाम के बिना कोई भी भगवान को प्रसन्न करने की विधि नहीं है इस कलयुग में, क्योंकि तो इस कलयुग में लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं है, आप जो है बहुत ज्यादा एलेबरेट पूजा नहीं कर सकते हो, विधि विधान नहीं पालन कर सकते हो, क्योंकि उसके लिए आपको बहुत शुद्धि की जरूरत है, सामग्री शुद्ध होना चाहिए, बोलने वाला शुद्ध होना चाहिए, संभव नहीं है कलयुग में। आज लोगों को खाना खाने के बाद हाथ धुलना भी है ये भी नहीं पता है, हाँ, आजकल कॉलेजेस में बच्चे जितने हाई फाई कॉलेज में जाते हैं उतना बच्चों को आज ये नहीं पता है सुबह उठ के ब्रश भी किया जाता है क्या, सीधे पहुंच जाते हैं क्लासरूम में, नहाया भी जाता है ये भी नहीं पता है उनको। माँ हमने देखा जब मैं कहाँ पढ़ाई कर रहा था तो देख रहा था बच्चे सुबह 7-8 बजे उठ के सीधे हाफ पैंट में पहुंच जा रहे हैं कॉलेज, अब ब्रश भी नहीं किया है, चाय पी लो सीधे, हाँ कोई ब्रेड पकड़ के खा जा रहा, मुंह भी नहीं धुला है भाई। तो ये हमारा कलयुग, मतलब शुद्ध शारीरिक स्वच्छता नहीं है, अंदर की स्वच्छता की तो बात ही छोड़ दो, ये भी एक सिम्टम है कलयुग में। कलयुग बोला जाता है कि अगर कोई व्यक्ति स्नान कर लिया कलयुग में तो वो समझेगा कि मैं दुनिया को दर्शन दिखा दे सकता हूं, उसको लगेगा मैं बहुत काबिल हो गया हूं, अब मैं बाहर जाके मतलब लोग मेरा दर्शन कर सकते हैं, मतलब उसको स्नान करना मतलब दुभर हो जाएगा कलयुग में, इतना शुद्धता का वातावरण कलयुग में आ जाएगा। लोग खाना खाता है हाथ नहीं पोछता है, बाहर तो कैसे कैसे हालत है, यू कैन अंडरस्टैंड। तो कलयुग जो है कलीर दोषे निधे राजन, परीक्षित महाराज को बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी, कलीर दोषे निधे राजन, कलयुग में दोष ही दोष हैं। ये सब सोचिए, माँ बच्चे को जन्म देने से पहले ही मार दे रही है, ये दोष नहीं है कलयुग का, कभी देखा आपने कभी ऐसा हुआ हो, तो ये सब नहीं होता था, हाँ, तो दोष ही दोष है इस कलयुग में।
अस्ति एको महान गुणा, एक महान गुण है इस कलयुग में, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत। भगवान का नाम कीर्तन करने से, उसका आश्रय लेने से मुक्त हो जाएगा जीव, परम धाम को प्राप्ति हो जाएगा। तो ये बेनिडिक्शन है, मतलब जिसमें सबसे ज्यादा दोष है उसमें भगवान ने सबसे आसान विधि दे दी है, इससे अच्छा क्या चाहिए आपको। कोई हरि कीर्तन करता है तो कभी दुख होता है क्या? जब आप कीर्तन कर रहे थे तो दुख हो रहा था, हाँ बहुत दुख हो रहा था किसी को, आपका सारा एंग्जाइटी स्ट्रेस खत्म हो जाता है जब भगवान का नाम लेते हैं, लोगों के चेहरे में अपने आप ही स्माइल आ जाती है जब भगवान का नाम लेते हैं। तो ये युग में, तो इसलिए भगवान जो है गौर पूर्णिमा, जैसे फागुन पूर्णिमा होता है होली, तो इसी गौर पूर्णिमा हम लोग बोलते हैं। एक्चुअली जो कैलेंडर भी अपना यहीं से शुरू होता है, वैदिक कैलेंडर जो बोलते हैं कि जो गौर, तो इस तरह से जो है भगवान आज के दिन प्रकट हुए। और बताते हैं जब भगवान प्रकट हुए थे तो उस समय ग्रहण का समय चल रहा था, चंद्र ग्रहण चल रहा था। और जब ग्रहण चल रहा था तो एक होता है ग्रहण के समय रीति होती है कि आप जो है गंगा में किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करते हैं, अपने आप को पानी से ढक कर रखते हैं ताकि शरीर शुद्ध ना हो, और आप हर समय नाम लेते हैं। तो सोचिए भगवान आए नहीं, अभी प्रकट नहीं हुए हैं, अपने प्रकट होने से पहले ही लोगों को क्या करवा रहे हैं, नाम करवा रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और जब भगवान प्रकट हुए तो सब तो नाम ले ही रहे थे, और उसके बाद जब बचपन का नाम इनका था निमाई, तो जब प्रकट हुए तो सब लोग, बड़े बड़े लोग कहाँ कहाँ से आके इनको गिफ्ट देने के लिए, होता ना बच्चा घर में जन्म लेता है उपहार लेने देके आते हैं, पर बड़े बड़े देवी देवता भी मनुष्य रूप धर के गिफ्ट देने आ रहे हैं घर पे। सची माता भी सोच रही है, उनकी माँ है सची माँ, वो सोचती है पता नहीं इनको तो मैं जानती नहीं कौन है, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से लोग आकर भगवान को गिफ्ट दे रहे थे, छोटे छोटे बालक को लेकर गिफ्ट लेकर आ रहे थे। जैसे वामन रूप में भगवान का अलग अलग जो है देवी देवताओं ने उनको गिफ्ट दिया था, वामन रूप में कोई मृग की छाल लेकर आ रहा है, कोई जनेऊ लेकर आ रहा है, कोई कमंडल लेकर आ रहा है, तो अलग अलग लोग वामन को सजा रहे थे, तो ऐसे निमाई के लिए सब आ रहे थे। तो लेकिन एक बड़ा फिर से विचित्र हो गया, निमाई जो है वो बहुत रो रहे थे, तो माताएं उनको शांत करने का प्रयास कर रही लेकिन शांत नहीं हो रहे। तो जब हरि कीर्तन चालू कर दिया माताओं ने तो निमाई शांत हो, तो ये और एक इंडिकेशन दे दिया। तो इसका मतलब उनका कहना क्या था, अब आपके घर में कोई बच्चा जन्म ले ले और वो बस कभी शांत होगा जब घर में कीर्तन हो, तो मतलब अब कीर्तन कब तक चालू रखना होगा, 24 आवर कीर्तन। तो इसलिए वहां पर शिफ्ट हो गया कीर्तन का, क्या भाई कीर्तन करते रहना पड़ेगा क्योंकि निमाई नहीं तो रोने लगेगा। तो ये भी भगवान का इंडिकेशन था बचपन से ही कि मेरा उद्देश्य क्या है, लोगों को संकीर्तन करवाना, इस पूरी दुनिया को मैं संकीर्तन करा के मानूंगा। तो इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु तो जब थे तो उनके साथ तो उनके कई पार्षद गण आके प्रकट हुए, लेकिन उनके जाने के बाद भी उन्होंने अपने कई पार्षदों को अभी भेज रहे हैं। जब प्रभुपाद जी को बोला था इज लाइक अ सेनापति भक्त, सेनापति भक्त कमांडर इन चीफ की तरह, भगवान चले गए 500 साल पहले लेकिन आज भी उन भगवान की शक्ति को पूरी दुनिया में प्रचार कर रहे हैं। आप सोचिए ऐसे ऐसे देश में जहां पर लोगों ने कृष्ण नाम भी नहीं सुना था, वहां पर लोगों के अंदर कृष्ण चेतना को जागृत कर दिया, कैसे संभव है, भगवान ने विशेष इनको शक्ति दी है, कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन। तो इस तरह से आज भी पूरी दुनिया में भगवान के पार्षद गण प्रकट हो रहे हैं, आप में से भी कोई हो सकता है रामगढ़ का रिप्रेजेंटेटिव। हाँ जैसे एक देश एक होता है ना कि कोई कंपनी होती है, कोई बहुत बड़ा कंपनी होता है ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस अलग अलग जगह पर होते हैं ना, तो ऐसे भगवान श्री चेतन महाप्रभु कृष्ण के स्वयं के भी रिप्रेजेंटेटिव बहुत लोग प्रकट हो रहे हैं, तो वो सब इस संकीर्तन आंदोलन को बढ़ाने में मदद करेंगे। तो अगर आप लोगों के रामगढ़ में जैसे शुरू हुआ तो ये भगवान की इच्छा है, ठीक है।
और जो भी इसमें सहयोग करेगा, इसका हिस्सा बनेगा, उसको भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होना निश्चित है। तो एक एक लीला है जो जिसको सुनाकर मैं थोड़ा समाप्त करूंगा, क्योंकि अभी हमारा अभिषेक भी है। तो एक बार महाप्रभु जो है गए थे कुर्म देश, साउथ इंडिया ट्रिप में, तो वहाँ पर उनको जो है बहुत लोग मिले, वासुदेव विप्र ऐसे करके बहुत ब्राह्मण मिले, तो उनके यहाँ रहे थे महाप्रभु कई समय। तो कुर्मा विप्र जो थे तो उनको भगवान के साथ रहे तो उनको लगा कि नहीं भगवान, अब मैं जो है ना अपना घर छोड़ के आपके साथ जाऊंगा, अब मैं ना मेरा मन नहीं लग रहा है। तो जो है महाप्रभु बहुत खुश हुए कि नाराज हुए, नाराज होंगे कि खुश होंगे, कैसा लगा, क्या बताए, नाराज होंगे खुश होंगे? तो महाप्रभु नाराज हो गए। क्यों नाराज हुए? बोला तुम जो है ना मर्कट वैरागी मत बनो। कैसे वैरागी? मर्कट वैरागी। आजकल ये बहुत बोलबाला है, वैराग्य के नाम पर लोग जो है मतलब भक्ति के नाम पर लोग मर्कट वैराग्य दिखाता है। मर्कट वैराग्य समझते हैं? बंदर का वैराग्य। बंदर देखा है ना रामगढ़ में, बंदर है कि नहीं? चाहे तो तुम बच्चों ने देखा बंदर है इधर? बंदर कहाँ है, कहाँ देख लिए? चिड़ियाघर में देखा क्या? हाँ, अब देखो जंगल नहीं होगा तो बंदर क्या करेगा? आपका डाइनिंग टेबल से खाना पीना खाएगा क्या? जंगल चाहिए उनके लिए, ठीक है? तो मर्कट वैरागी जो होते हैं, मतलब बंदर का वैरागी क्या है, लगता है देखने में कि क्या है, पेड़ के नीचे रहता है, कुछ पहनता नहीं है। हाँ, कितना वैरागी है, कभी इस डाल में तो कभी उस डाल में, कुछ कैसा जीवन है इसका, तपस्वी का जीवन। लेकिन तपस्वी है क्या? एक एक बंदर जो है कितना उसका कनेक्शन रहता है अलग अलग बंदरियों के साथ, यह है बंदर मर्कट वैरागी। ये वैराग्य है? नहीं है। तो ऐसे ही कलयुग जो है लोग वैराग्य के नाम पर क्या करता है, मर्कट वैरागी बन जाता है। तो महाप्रभु बोलते हैं तुम घर पे गृहस्थ हो, गृहस्थ हो, और तुम बोलता है मैं अपना घर छोड़ के चलूंगा आपके साथ, ये मर्कट वैरागी मत बनो, घर पे रहो। ये महाचेतन महापुरुष का सबसे मुख्य उपदेश था कि तुम घर पर रहो और घर पर क्या करो, भजन करो। ग्रह था को वने था को सदा हरि भोले डाको। कहीं भी रहो, घर पे रहो, लेकिन हर सब, क्योंकि ज्यादातर लोग तो घर पे रहेगा, तो इसलिए घर पर रहकर क्या करना चाहिए, कृष्ण कृष्ण का नाम लो, कृष्ण का विग्रह पूजा करो, कृष्ण का शिक्षा ग्रहण करो घर पर। तो ये बहुत बड़ा एक सब चैतन्य महापुरु ने एक उपदेश दिया हम सब के लिए कि वी शुड नॉट फेक भक्ति। आज क्या भक्ति के नाम पर सेंटिमेंटल बहुत ज़्यादा लोग हो जाते हैं, भक्ति को सही से समझते नहीं हैं। हाँ, इसकी वजह से क्या होता है, लोग किसी को भी भगवान समझ लेंगे, किसी को भी बना किसी कोई भी प्रोसेस को स्वीकार कर लेंगे और शास्त्र से उसका प्रमाण नहीं लेते हैं। तो इसकी वजह से बहुत कलयुग में बाधाएं बाधाएं, लोग मतलब मनुष्य को भगवान बना के पूजना लग जाता है, और जो भगवान है उनको मनुष्य समझ जाता है। पिछला हमने संडे क्लास में ही डिस्कशन किया था, अजानंति माम मूढ़ा, हाँ चर्चा किया था। तो ये कलयुग है, इसलिए महाप्रभु ने चेतन महाप्रभु जो है शुरू के कुछ समय जब वो रहे 24 साल तक नवदीप में रहे, लीला किया, संकीर्तन पास टाइम, इसके बाद संन्यास लिया 24 साल में, फिर महाप्रभु आकर पूरी दुनिया में मतलब पूरे भारतवर्ष में भ्रमण किया, साउथ इंडिया, वृंदावन, और उसी जब वृंदावन जा रहे थे तो महाप्रभु इस रामगढ़ में आए थे वृंदावन जाते हुए, क्योंकि झारखंड के फॉरेस्ट, क्योंकि महाप्रभु उस समय क्या था, सिटी तो रामगढ़ नहीं था, इतना सिटी जैसा नहीं था ना, सारे लोग जंगल में रहते थे, ट्राइबल्स ज़्यादा थे यहाँ पर। तो वही महापुरुष सोच रहे हैं कि जो है मैं नॉर्मल रूट नहीं लूँगा, हाईवे रूट ना लेकर मैं जंगल का रूट लूँगा। क्यों? क्योंकि इन लोगों को
बहुत कम चांस है भक्त बनने का, जो जंगल में रह रहे हैं और बहुत कम चांस है भक्ति का। इनको कौन, इनके लिए जो है, इनको सिखाने के लिए हम कोई भक्ति का ग्रंथ नहीं सिखाने से होगा, इनके लिए कुछ विशेष करना पड़ेगा। ये लोग गीता का क्लास नहीं सुनेगा, तो इसलिए उनके लिए विशेष कुछ चमत्कार करना होगा। तो वो चमत्कार करने के लिए महापुरुष कहां से निकले? जंगल के रास्ते से निकले। हाँ, और जंगल के रास्ते में निकले तो उन्होंने क्या चमत्कार किया? उन्होंने हरि कीर्तन के कीर्तन में जो है जानवरों को नचा दिया, और ताकि लोग जो देखे हैं, और जानवरों में कैसे जो है हिरण और शेर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को गले मिल रहे हैं। ऐसा कभी देखा आप लोगों ने किसी चिड़ियाघर में? दोनों को एक साथ रखा जाता है, हाँ, कि जाओ एक साथ, एक रहेगा उसमें। तो ये अद्भुत घटना करा दी, इसे बोलते हैं चमत्कार कराना। कभी तो कभी कभी क्या होता है, जो ज्यादा क्वालिफाइड है उसको चमत्कार चाहिए। तो उन्होंने ऐसा चमत्कार किया कि जब ये नृत्य कर रहे हैं तो इनके चरणों के चिन्ह सब पड़ गए जमीन पर, यहां तक कि स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु उनका भी चिन्ह जमीन पर स्थित हो गया। आज भी आप जाएंगे कुज्जू में तो चरण पर चिन्ह है, चरण पहाड़ी पर चिन्ह है। हम लोग अभी गए थे बच्चों को लेकर, आपके तो पास में 20-25 मिनट का रास्ता है, कभी कभी यहाँ से भी हमें कैंप लेकर जाएंगे। बच्चों को तो लेकर गए थे हम यूथ को, तो आपको भी एक टूर कराएंगे। तो आज भी वो जानवरों के चिन्ह है, शेर का चिन्ह है, हाथी का चिन्ह है, मोर का चिन्ह है। हाथी तो देख रहे हैं आप, दो पैर ऊपर और दो पैर, तो दो पैर का चिन्ह एक साथ गड्ढा है वहां पर, वो जो होते हैं ना राइनोसेरस गैंडे, वो भी था वहां पर, वो इतना खुशी से उत्मत्त था कि ऐसे पलट गया, तो उसका भी चिन्ह आपको मिलेगा, पीठ का चिन्ह। सांप का तक का चिन्ह है, सांप, बड़ा सांप, अजगर सांप का चिन्ह है, सब का चिन्ह बन गया है, ताकि लोग जो है आश्चर्यचकित हो जाएं कि ऐसी अद्भुत लीला हुई है। आपको क्लियर फिंगरप्रिंट्स दिखेंगे, जैसे हिरन होता है ना, हिरन के फुटप्रिंट्स, सबके अलग अलग साइज है ना, पर इतना जबरदस्त एक बन गया था माहौल। चैतन्य महाप्रभु के कई जगह पर चिन्ह है, बट एक जगह पर प्रोमिनेंट है जो आपको स्पष्ट दिखाई देगा। तो इस तरह से यह अद्भुत लीला भगवान ने यहां किया। उद्देश्य क्या था कि लोग क्या करें? लोग कृष्ण का नाम लें। तो इसलिए जब सब जंगल वासियों ने देखा इतना अद्भुत घटना हो रही है, तो सबको भगवान के नाम पर विश्वास आ गया कि जो हृदय में पशुता है, हम सब के हृदय में पशु बैठा हुआ है। हाँ, एक जो होता है ना गंदगी है हृदय में, तो हम सब के हृदय से वो गंदगी कैसे हटेगी? भगवान का नाम लेने से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे। तो चैतन्य महाप्रभु की वो इच्छा जो है कि ये झारखंड में जो है भगवान का नाम फैले, और आज आपको कई गांव ऐसे झारखंड में हैं, आप लोगों को भी पता होगा, जहां आज भी अखंड हरि नाम कीर्तन होता है। होता है कि नहीं होता है? कभी कभी पानी नहीं बरसता है तो बोलते हैं चलो आज हरि अखंड हरि कीर्तन करेंगे 3 दिन तक 7 दिन तक। होता है कि नहीं? तो आज भी बहुत गांवों में ट्रेडिशन है। ये सब ट्रेडिशन कब से चालू हुआ? 500 साल पहले से, जब चेतन महाप्रभु ने स्टार्ट किया था। लेकिन धीरे धीरे हम सब अपनी संस्कृति को खोते जा रहे हैं, इसलिए भगवान समय समय पर अपने जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके माध्यम से सनातन संस्कृति को जागरूक करते रहते हैं। तो अब आप लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं कि आप लोग जो है यहाँ पर हम लोगों का जो है उन्हीं महापुरुष की इच्छा से, श्रील प्रभुपाद जी की इच्छा से रामगढ़ में इस्कॉन सेंटर हमारा स्टार्ट हो गया है। अभी लगभग 4th महीना चल रहा है यहाँ पर, तो मुझे लग रहा है 4th संडे होगा, 3rd-4th संडे ही होगा। तो जो है तो ये यही उद्देश्य हमारा कि उस सुप्त चेतना को, सुप्त कृष्ण चेतना को हम वापस जागृत करें। सिर्फ भक्ति जो है वो ऐसा नहीं है कि कहीं और से लाना है, भक्ति हम सबके हृदय में सुप्त अवस्था में है, डॉर्मेंट कृष्ण कॉन्शियसनेस इज देयर, उसे क्या करना है? सिर्फ जगाना है।
जैसे चिंगारी होती है ना, उसको फैन करना होता है, तो वैसे ही आपके हृदय में भगवान की भक्ति है, उसको भी जगाना है। जैसे प्रभुपाद अमेरिका गए, तो अमेरिका में कैसे उनके हृदय में कृष्ण भावनामृत आ गया, क्योंकि उनके हृदय में भी कृष्ण की चेतना है, उनको पता नहीं है बस, तो हमें बस उसको जगाना है। और जगाने का प्रोसेस क्या है, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन, ये जो भक्ति के नौधा भक्ति के प्रोसेस है, इसको बस हमें अंगीकार करना है। श्रवण करते करते धीरे धीरे आप देखेंगे आपकी सारी चेतना जो है, डर्ट जो हृदय में गंदगी साफ होती जाएगी, तो आपका जो मन रूपी जो दर्पण है वो साफ हो जाएगा। अभी क्या, माइंड हमारा बहुत डर्टी है, जब मन बहुत गंदा है, दर्पण बहुत गंदा होता है, तो आप अपने आप को देख नहीं सकते हो। दर्पण जब धीरे धीरे साफ होगा तो आप अपने आप को देख पाओगे, तो इसलिए मन रूपी दर्पण में आत्मा अपने आप को देख सकती है। अभी आप जब दर्पण में देखते हो मन में, तो आपको अपना शरीर ही दिखाई देता है, आत्मा दर्शन नहीं होता है। तो इसलिए मन रूपी दर्पण को स्वच्छ करना होगा, और स्वच्छ करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु हमें प्रोसेस दिए, चेतो दर्पण मार्जनम ओ महा दवाग्नि निर्वापनम। तो चेतो दर्पण, चित्त को मार्जन करना होगा, उसके लिए महाप्रभु ने हमें हरि कीर्तन दिया है।